देखो दोस्तों, जहाँ तक होता है मैं एक से एक बढ़िया नुस्खा, एकदम सादा सा सिंपल सा आपको एक ऐसा उपाय लेकर आता हूँ जिससे आपकी ताकत, आपकी मर्दाना ताकत वापस आ जाए। मैं बस यही कोशिश करता हूँ, जितने भी व्यक्ति हैं हमारी दुनिया में, जितने भी व्यक्ति हैं हमारे भारत में, जितने भी दुनिया में जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं, जो लोग हमें लाइक करते हैं, उनकी जो मर्दाना ताकत है उनको वापस लाना मेरा यही काम रहता है। और ज़्यादातर मैं ऐसे नुस्खे बताता हूँ जो घर पर यूज़ हो जाएं। आज का भी जो टॉपिक है और जो नुस्खा है वो इसी बात पर होने वाला है, इसी टॉपिक पे होने वाला है कि ये भी घरेलू है और घर में आपको आसानी से मिल जाएगा। इन चीज़ों का आप रोज़ाना सेवन करते हैं, ओवासी आ रही, बार बार नींद आ रही है, नींद नहीं मतलब टाइम ज़्यादा हो गया है, लगभग 1-2 बज गए। चलो छोड़ो, अब बात करते हैं देखो नुस्खे की। देखो कई लोग हैं जैसे जिन लोगों को समस्या है मर्दाना ताकत की कमी, जो लोग अपनी संभोग शक्ति में, टाइमिंग में बढ़ोतरी पाते हैं, बढ़ाना चाहते हैं उसको, तो उनके लिए ये जो उपाय है जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही आसान सा, चने और प्याज के, प्याज से, चना और प्याज, इन दोनों चीज़ों से आपका काम हो जाएगा। लेकिन उन इनमें भी कंडीशन है किस तरह से इसको यूज़ करना है, किस तरह से खाना है। केवल आप इसको 10 दिन यूज़ कर लेना, 10 दिन बाद अपनी टाइमिंग देख लेना, आज अपनी टाइमिंग देख लेना और 10 दिन बाद अपनी टाइमिंग देख लेना, याद करोगे अजय भाई वास्तव में तुमने कुछ बोला था, कुछ कहा था, कुछ उपाय बताया था जिससे मेरी ज़िंदगी संवर गई। चलो अब बताते हैं नुस्खे को, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और नीचे नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब वाला उसको प्रेस जरूर कर दें ताकि हमारे जो मैं नई नई वीडियो बनाता हूँ वो अब तक जरूर पहुँच सकें। ठीक है, तो चलो अब बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको लेना है भुने हुए चने लेकर आने, या घर पर भून लेने, या भुने हुए चने लेकर आ जाने, भुने हुए, भुने, ठीक है, भुना हुआ चना जो हम लोग खाते हैं, मार्केट से ले लेते हैं कभी कभार खाते हैं, तो भुने हुए चने लेकर आने हैं आपको। अब उसमें प्याज का रस निकालना है आपको, क्या करना है, रोजाना लगभग कितनी बार, रोजाना 2 बार, कम से कम रोजाना 2 बार, 2 बार आपको क्या करना है, प्याज का रस लिया कम से कम आधा आधा एक कप नहीं आधा कप ले लो प्याज का रस, और कम से कम 10 ग्राम चने ले लो भुने हुए, उन प्याज चनों को प्याज के रस में डाल दो और 1 घंटे तक उनको पड़ा रहने दो। जब वो भीग जाए, उसमें मिक्स हो जाए, तब उनको निकाल निकाल के खा जाओ, ऊपर से प्याज का रस पी जाओ। बस इतना ही करना है, रोजाना खाली पेट सुबह आपको ये काम करना है। आप शाम को भी कर सकते हो, अगर ज़्यादा समस्या आपको, ज़्यादा आप ग्रसित हैं किसी रोग से, तो आप रात को भी ये क्रिया कर सकते हो। चनों को, चने जो होते हैं, 1 घंटे के लिए प्याज के रस में भिगा दो, वो भी चने भुने हुए, ऐसे नहीं भुने हुए चने, उसमें भिगो देने हैं, फिर उनको खा लेना है। ठीक है, यही क्रिया आपको लगातार 10 दिन तक करनी है। आज अपनी टाइमिंग देख लेना, 10 दिन बाद अपनी टाइमिंग देख लेना। मेरे भाई अगर लाभ ना मिले तो अजय भाई का चैनल छोड़ के चले जाना, बोलना अजय भाई कुछ नहीं ऐसी वीडियो बनाते हो। हाँ, एक लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई कुछ बगैर जबरदस्त भी होता है तो मैं नहीं, आप नहीं समझोगे क्या बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि कोई वीडियो ऐसी होती जो बिना जबरदस्त वाली हो, तो आप उनके लिए मेरा कमेंट है कि अगर आप चाहते हो तो आपके लिए सारी बेकार हैं वीडियो, कोई ज़रूरी नहीं है आपका, आप जबरदस्त समझो या बेकार समझो, है ना। मेरे लिए तो सब जबरदस्त है क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से, मेहनत से, इधर उधर से ढूंढ के आप लोगों के लिए नुस्खे लेकर आता हूँ, मेरे लिए तो सब जबरदस्त है। अब आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है, मर्जी है आपकी, हमें कोई मतलब नहीं। तो चलता हूँ फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार वालों का, अपने घर वालों का नमस्कार।